हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यस फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही प्यारा होने वाला है और टाइटल है मैं भी चौकीदार। हर उस भारतीय में है एक चौकीदार जिससे है देश की फिक्र। तो एक हमने पहले भी मेरे ख्याल से चौकीदार पे एक गाना था, उसको किया था रिएक्ट। तो अगर आप चौकीदार डालोगे तो आपको वो भी मिलेगा। वो भी बहुत प्यारा गाना था। डेफिनेटली ये भी अच्छा होगा, अभी हमने देखा नहीं, पर वो बहुत प्यारा था, बहुत ही अच्छा गाना था। तो मेरे ख्याल से उसका नाम कुछ था मैं भी चौकीदार या कुछ उस टाइप से था। तो चलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो देखते हैं। पर उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनके नोटिफिकेशंस मिल जाएं। और वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। ये देश, ये मेरा वतन, ये मेरा घर, मेरा चमन। ये देश, ये मेरा वतन, ये मेरा घर, मेरा चमन। सबका विकास चाहता और चाहता हूँ बस अमन। वो एक अकेला चल पड़ा, मैं उसकी ही कतार हूँ। वादा किया है खुद से अब कूड़ा नहीं फैलाऊंगा, के भ्रष्टाचार काले धन को जड़ से यूं मिटाऊंगा। मैं नए भारत की कल्पना, मैं नए भारत की कल्पना से सहमत विचार हूँ। लोग है मेरा मेहनत से करता काम। एक घर का चूल्हा मुझसे है, मैं उज्ज्वला सा नाम। मैं देश के विकास में छोटा सा भागीदार हूँ। अरे हाथ चौकीदार, उंगलियां उठाएंगे वो झूठ कहते जाएंगे। सच की परख तो है मुझे, वो क्या मुझे बहकाएंगे, के झूठ के कपाल पे मैं सत्य का प्रहार हूँ। हाँ मैं भी चौकीदार हूँ, हाँ मैं भी चौकीदार। आतंक अब नहीं सहूंगा, हाँ मैं चुप नहीं रहूंगा। भारती का लाल हूँ मैं, कब तलक नहीं कहूंगा। मैं सरहदों के हौसलों के साथ एक हुंकार हूँ। हाँ मैं भी चौकीदार हूँ। हर उस भारतीय में है एक चौकीदार जिसे है देश की फिक्र। जुड़िए मैं भी चौकीदार हूँ कार्यक्रम से। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर था, मजा आ गया देखने में, और इतना अच्छा उन्होंने दिखाया इसमें, मतलब देशभक्ति आती है आपको। आप तो देखोगे ना तो आपको अपने देश के लिए कुछ करने का मन करता है। तो यही एक बहुत बड़ी ब्यूटी है मोदी जी की, कि उन्होंने इस टाइप की फीलिंग्स हर इंडियन के दिल में जगाई है।
तो इतने सालों में नहीं जगी थी, इतने सालों में तो यही होता था कुछ नहीं हो सकता इस देश का, बस ऐसे ही है। पर इनके आने के बाद अब लगता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हमें भी करना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है। और ऐसे अच्छे अच्छे जो गाने बनाए हैं लोगों ने प्यार से मोदी जी के लिए, बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें तो ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई प्रोग्राम वो उन्होंने करते थे, मेरे ख्याल से शुरू किया हुआ है, पता नहीं अब बंद हो गया है कि अभी भी चल रहा है, जिसका नाम लग रहा है मैं भी चौकीदार हूँ। तो आप बताना ये प्रोग्राम क्या था, और अगर है अच्छा है तो डेफिनेटली हमें भी मन है कि हम भी देखें इसको, डेफिनेटली देखेंगे। पर बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया और इतनी अच्छी अच्छी क्लिपिंग्स दिखाई कि उन्होंने क्या क्या अपने सोचा हुआ है कि हमने क्या क्या करना है। जैसे उन्होंने बोला गैस भेजनी है सबको, तो वो हुआ, फिर सफाई रखनी है, लड़कियों को स्कूल भेजना है कि लड़कियां भी पढ़ाई करें, एजुकेशन उनको मिले, टेक्नोलॉजी के आगे मतलब बढ़ाना है कंट्री को टेक्नोलॉजी वाइज। तो हर चीज़ उन्होंने छोटे छोटे क्लिपिंग्स के साथ दी। और सबसे अच्छा था कि हर हिंदुस्तानी खड़ा होकर बोल रहा है मैं भी चौकीदार हूँ, मतलब खाली सब कुछ मोदी जी के ऊपर ही मत डाल दो कि उन्होंने करना है जी, उनकी गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने करना है, ये सब क्यों नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अगर कोई काम गड़बड़ है जी उनकी गलती है जी, गवर्नमेंट ने क्या किया, वो बात गलत है। मैं भी चौकीदार हूँ का मतलब है कि वो अपना पार्ट कर रहे हैं पर हमारा पार्ट उनसे ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ा है, हमें ज़्यादा करना है क्योंकि हम ज्यादा, वो एक इंसान है और हम कितने सारे हैं, तो अगर हम मिलके नहीं करेंगे तो क्या चेंज आ सकता है इंडिया में। तो बहुत ही अच्छा था। और कई चीजें तो मोदी जी ने की हैं, करप्शन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, गैस भेजी है उन्होंने, स्वच्छता के लिए भी बहुत मतलब जोर शोर से उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, तो वो तो सारा अपना काम कर रहे हैं। पर क्वेश्चन है क्या हम उस काम में उनका साथ दे रहे हैं, तो अगर नहीं दे रहे तो देने की बहुत जरूरत है। बहुत ही अच्छा गाना था, मजा आ गया, बहुत अच्छा गाना था। और इन्होंने बहुत अच्छी तरह से फिल्म किया है, आपको कई लोग मतलब डिफरेंट इंडिया के रीजन से आपको लोग नज़र आ रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, और बहुत अच्छा कोरियोग्राफ किया है, लोग गा भी रहे हैं मैं भी चौकीदार हूँ, बच्चे गा रहे हैं। और इससे मुझे याद आता है ये चौकीदार का कॉन्सेप्ट कि जब हम छोटे थे तो जब रात होती थी तो हमें क्लियरली सोते हुए सुनाई देता था, सीटी बजती थी और चौकीदार अपने लाठी को फाड़ मारता था रोड पे, और कई बार बोलता था जागते रहो और आगे जाके फिर फाड़ मारता था और सीटी बजती थी, और ये बिल्कुल ही क्लॉकवर्क की तरह होता था, पता लग रहा था अब ये जाएगा, अब ये फाड़ पड़ेगी, अब सीटी बजेगी, फिर जाएगा, और लोगों को बड़ी शांति नजर आती थी, हाँ जी चौकीदार है। और उस समय जो था जब हमारे चौकीदार थे, एक बार कुछ चोरियां ज़्यादा हो गई तो चौकीदार ने कहा कि अब मैं जो हूँ क्या क्या कर लूँगा, तो हमने चौकीदार को स्पेशली जो है हमारी कम्युनिटी ने, उस समय छोटा था मगर मुझे इतना याद है कि कम्युनिटी ने चौकीदार को ट्रेनिंग पे भेजा था, और उसके बाद उसको कपड़े दिए थे खाकी पूरी वर्दी वाले पुलिस टाइप के कपड़े दिए थे बनवा के, और बड़ी बड़ी लाठी और काफ़ी कुछ उसको ट्रेन किया था, और टॉर्च वॉच और सीटियाँ, और उसके दो चार और लोग रखे थे, और उसके बाद जो है डेफिनेटली मतलब एक दो चोर पकड़े गए थे। जब आप चौकीदार को जब लगा अरे कमाल होगी ये साहब सबके सब मुझे जो है स्पेशली कपड़े दे रहे हैं, चेंज मेरे को टॉर्च बड़ी दे रहे हैं, ये मैकेनिज्म दे रहे हैं और लोग लेके आ रहे हैं, तो बड़ा कॉन्फिडेंस आया था चौकीदार में भी कि बड़ी अच्छी बात है ये कम्युनिटी। और उसके बाद जो है ज़्यादा चौकीदार उससे कई लोग मतलब पकड़े भी गए थे चोर की, मतलब चौकीदार अलर्ट हो गए भागने लग गए, तो वही इनका भी यही कॉन्सेप्ट है उनके दिमाग में आ गया चौकीदार का कि अगर वो चौकीदारी कर रहे हैं तो आप आराम से सो सकते हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन चौकीदार पर छोड़ दीजिए, चौकीदार जो करेगा अपना काम करेगा, आप आराम से जिए। तो ये बहुत अच्छी बात थी और ये सही है कि अगर देखें जब मोदी जी को उसमें देखते हैं टैंक के ऊपर जाते हुए तो काफ़ी खुशी होती है, फिर जो मोदी जी अभी गए थे ले लद्दाख में वहाँ खुशी हुई थी, पूरे गॉगल्स पहन के और कैप पहन के ऐसा लग रहे थे कि डेफिनेटली मतलब मिलिट्री के हेड हैं और वो मोटिवेट कर रहे हैं सबको, तो काफ़ी अच्छा लगा। पहले इससे पहले हमने इतने बार को ऐसे लीडर को नहीं देखा है जो अपना अटायर चेंज करता है या बहुत ही अच्छे स्पीचेस देता है, जो डेडिकेटेड है, जिसकी अपनी अपना कोई फैमिली मतलब अपनी कोई वाइफ और बच्चे नहीं है, पूरा देश उनकी फैमिली है, उतना डेडिकेटेड पर्सन। और वो पर्सन जो गरीबी से उठा है, तो जो गरीबी से इंसान उठता है उसने सब देख रखा होता है, उसने
उसको वो रिलेट कर सकता है हर इंसान से, क्योंकि उसको पता है कि गरीबी में क्या होता है, जब आप खाना नहीं खा पाते क्या होता है, जब आपको रोटी कपड़े मकान के लिए पूरा दिन भटकना पड़ता है सिर्फ इसलिए कि आपको थोड़ी रोटी मिल जाए और आप जहाँ सोते हैं आपकी जगह वो रहे, राइट, और आपके पास थोड़े कपड़े हों, उसके लिए जब इंसान भटकता है तो सोचे कितनी टेंशन रहती है। और जब अनलेस कोई वाकई ही गरीब अपने टाइम में हो या उस फैमिली से आया जो थोड़ी गरीब हो, उसे ये पॉइंट समझ नहीं आ सकता। काफ़ी लोग जो अब तो इंडिया की इतनी आबादी है जो मिडिल क्लास, बहुत बड़ी मिडिल क्लास है, उन लोगों ने मेरे ख्याल से कभी इतनी गरीबी नहीं देखी होगी, मगर हमारे समय में हमने देखी है इस तरह की गरीबी कि जहाँ पे ये आप रिलेट कर सकते हैं किसी और से जिसकी वो हालत हो रही है। तो मोदी जी जो है उनको तो क्योंकि ये सब दिखता है तो उनको पता है क्या इम्पोर्टेंट है लाइफ में, तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए उन्होंने कोरोना वायरस का भी बहुत अच्छा सॉल्व किया था कि जो भी गरीब लोग हैं उनको आपने एम्प्लॉयड रखना है, उनको आपने पैसा देना है, उनको खाना देना है, उनको पता है क्योंकि जिस इंसान ने वो जिया है उसको पता है कि कोरोना वायरस में जब इकॉनमी बंद होती है, बिजनेस बंद होते हैं, तो जो लोगों को रोज़ के लिए जो काम करते हैं जिससे उनको रात का खाना मिले, एवरीडे खाना दिन में एक बार खाते हैं, उनका क्या होगा। इसीलिए मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया था कि आप राशन दे रहे हैं, और जो यूनिफॉर्म राशन का सिस्टम किया है कि जो मजदूर लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं उनका क्या होगा राशन कार्ड का, अब यूनिफॉर्म राशन कार्ड होगा। जो भी गरीब लोग हैं जहाँ माइग्रेंट जहाँ भी जाते हैं जहाँ भी आते हैं एटलीस्ट उनको राशन मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट दिया और ये बहुत ही एक्सपीरियंस से आता है। तो बहुत ही खुशी हुई कि आप इंटरनेट में देखते हैं इतने सारे गाने मोदी जी के लिए, मोदी जी मेरे को ये नहीं पता है किसने बनवाया, मगर इतने सारे गाने जो लोग अपनी खुशी से मना रहे हैं, उनको क्या पड़ी है, मगर वो इतने खुश हैं अपने प्राइम मिनिस्टर से, उनको चेंजेस नज़र आ रहे हैं। और उसकी और डेफिनेटली एक बड़ी बात ये होती है कि प्राइम मिनिस्टर जो भी हो वो प्राइम मिनिस्टर लाइफ में अपने अराउंड किन लोगों के रखता है। यूएसए में भी ये सेइंग है कि देखिए अगर आप कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर लाते हैं जो ज़्यादा शायद इंटेलिजेंट नहीं है, मगर अगर उस अगर वो अच्छा आदमी है और अपने आप को सराउंड करता है इंटेलिजेंट लोगों से तब भी सक्सेसफुल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो ईगो होती है जिनमें, जो कहते हैं नहीं मेरे आसपास कोई ऐसे नहीं रहेगा, मैं ही शेयर हूँ, वो नहीं, एक दूसरे लोग होते हैं जिनको पता होता है कि मैं हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हूँ, राइट, जो ये समझदार इंसान है उसे पता है कि मैं हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर मैं हर एक्सपर्ट ला सकता हूँ काम करने के लिए। अगर मिलिट्री चाहिए तो मिलिट्री का एक्सपर्ट लेके आऊँगा, इकॉनमी चाहिए इकॉनमी का एक्सपर्ट लेके आऊँगा, इन्वायरमेंट चाहिए इन्वायरमेंट का एक्सपर्ट लेके आऊँगा, जो भी चीज़ टेक्नोलॉजी चाहिए टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट लेके आऊँगा। वो जो है लीडर वो सक्सेसफुल होता है क्योंकि उसने अपने चारों तरफ एक्सपर्ट बंदे लेके आए, वो उनकी सुनता है ओपिनियन फिर अपना डिसीजन लेता है फैक्ट्स को देख के। तो काफ़ी अच्छा लगा वीडियो और बहुत खुशी हो रही है कि जैसे हमने पहले वीडियो में कहा था कि इंडिया में बहुत ही अच्छा, इंडिया के लोगों ने बहुत ही बढ़िया प्राइम मिनिस्टर को चूज़ किया, डेफिनेटली अब प्रोग्रेस बहुत तेज़ी से होगी। कई लोग कह रहे हैं प्रोग्रेस जो रही है तो टाइम लगता है, ये ऐसी चीज़ नहीं यूँ चुटकी मचाई और आपको स्टेटस चेंज हो जाएंगे, टाइम लगता है, आप समय के साथ देखिए, पहले हमेशा कर्व नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है। तो अभी जो है मेरे ख्याल से अभी डेफिनेटली बहुत ही तेज़ी से इंडिया, अभी भी मेरे को लगता है इंडिया बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और अभी जो है बहुत जल्दी ही सुपर पावर बनेगा इंडिया। यस फ्रेंड्स, और आपको अगर कोई डाउट है तो उनके अभी रिसेंटली जो उन्होंने किए हैं इतने अच्छे अच्छे काम, उनको आप देख लो, जैसे उन्होंने मेड इन इंडिया शुरू किया है और अब हर इंडियन के अंदर मोटिवेट हो रहा है कि हम 1.25 टाइम्स अब काम करें तो उससे हमारी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो वो सब चीज़ें कहाँ से आ रही है, मोदी जी के एक सुपरविजन ही है जिससे सब इनकरेज हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हाँ हम भी करेंगे। तो वही उन्होंने इस गाने में भी बोला है, मैं भी चौकीदार हूँ, मतलब खाली मोदी जी चौकीदार नहीं, हर इंडियन को एक चौकीदार की तरह बनना चाहिए जो अपनी कंट्री का चौकीदार है और उसके लिए काम कर रहा है। तो मज़ा आ गया फ्रेंड्स ये गाना सुन के। तो चलते हैं इसी खुशी में और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में
जल्दी से पता चल जाए।